अब बात करते हैं कोरोना की। वहीं 5 की बजाय अब 6 राज्य हो गए हैं। देश के 6 राज्यों में कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 6971 नए मामले सामने आए हैं। मुंबई में 24 घंटे में 921 नए मामले सामने आए हैं। पुणे और अमरावती में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। मुंबई में 24 घंटे में कोरोना के 921 नए मामले सामने आए हैं। कोरोना को लेकर चिंताजनक खबर है। महाराष्ट्र, पंजाब, एमपी में मामले बढ़ते चले जा रहे हैं। ये बीते कुछ दिनों में बढ़े हैं। देश में 7 दिनों से लगातार मामले बढ़ रहे हैं और ये एक बड़ा चिंता का नतीजा है। जनवरी के मुकाबले फरवरी में मामले तेजी से बढ़े हैं। कर्नाटक, केरल में भी नए मामले आ रहे हैं, जबकि अभी तक केवल ऐसा महाराष्ट्र और केरल में होता था। काफी लोग एक साथ संक्रमित हो रहे हैं, यानी शादी समारोह, अपार्टमेंट में एक साथ काफी लोग संक्रमित हो रहे हैं। देश के कई राज्यों में एक बार फिर से कोरोना वायरस के मामले अचानक तेजी से बढ़ने लगे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और पंजाब में कोविड-19 के नए मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। इन 6 राज्यों में 86.69% नए केस सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने चेतावनी देते हुए कहा है कि भारत के 75% से ज्यादा सक्रिय मामले सिर्फ केरल और महाराष्ट्र में हैं। बात करें केरल की, तो केरल में पिछले 4 हफ्तों में हफ्ते भर के मामले 34,800 से लेकर 42,000 के बीच रहे। वहीं पिछले 4 हफ्तों के दौरान हफ्ते भर की पॉजिटिविटी रेट 13.9% से 8.9% के बीच रही। केरल में अलपुझा जिला विशेष चिंता का वजह बना हुआ है, जहां हफ्ते भर की पॉजिटिविटी रेट बढ़कर 10.7% हो गई है और हफ्ते भर में आने वाले मामले भी यहां पर 2,833 हो गए हैं। इधर महाराष्ट्र में सभी सरकारी, धार्मिक, राजनीतिक और सामाजिक कार्यक्रमों पर रोक लगा दी गई है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने रविवार को इसकी घोषणा की। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने राज्य में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों पर चिंता जताते हुए कहा कि महाराष्ट्र सरकार की सभी बैठकें ऑनलाइन होंगी। उन्होंने कहा कि कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए अगले 8 दिन बेहद जरूरी है। कोविड-19 महाराष्ट्र में दोबारा अपना सिर उठा रहा है। 8 से 15 दिन में ये पता चल जाएगा कि क्या ये कोरोना की दूसरी लहर है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि जो लोग लॉकडाउन चाहते हैं वो बगैर मास्क के घूम सकते हैं, लेकिन जिन्हें लॉकडाउन नहीं चाहिए वो हमेशा मास्क लगाकर रखें। सीएम ठाकरे ने आई एम रिस्पॉन्सिबल अभियान की भी शुरुआत की। मैं देखूंगा, आते जाते हुए देखूंगा, मेरे जो लोग हैं उनसे बातचीत करूंगा। जिन लोगों को लॉकडाउन नहीं चाहिए वो मास्क पहनेंगे, जिन लोगों को मास्क लॉकडाउन चाहिए वो मास्क नहीं पहनेंगे। सिंपल है। लॉकडाउन अगर नहीं चाहिए तो जो 3 चीज हमेशा मैं कहते आ रहा हूं, मास्क पहनिए, हाथ धोइए और एक दूसरे से एक सुरक्षित अंतर रखिए। महाराष्ट्र में पिछले 4 हफ्तों में हर हफ्ते आने वाले कोरोना केसेस 18,200 से बढ़कर 21,300 तक पहुंच गए हैं। वहीं हफ्ते भर की पॉजिटिविटी रेट 4.7% से बढ़कर 8% हो गई है। केरल और महाराष्ट्र के साथ ही पंजाब, तमिलनाडु, कर्नाटक और मध्य प्रदेश में भी रोजाना मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिली है। इन 6 राज्यों में साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट पूरे देश के औसत से भी ज्यादा है। केंद्र ने रोजाना नए मामलों में बढ़ोतरी वाले इन राज्यों को पत्र लिखा है। इन राज्यों को लेटर लिखकर केंद्र ने कहा है कि ये राज्य आरटीपीसीआर जांच का अनुपात बढ़ाएं और इन राज्यों में रैपिड एंटीजन नेगेटिव लोगों के लिए आरटीपीसीआर से दोबारा टेस्ट अनिवार्य हो। इसके अलावा केंद्र ने कुछ जिलों में कड़े सर्विलांस और सख्त कंटेनमेंट पर फोकस करने को भी कहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
अंकुर त्यागी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अंकुर, मुख्यमंत्री तो ये कह रहे हैं कि अगर लॉकडाउन चाहिए तो आप लापरवाही बरतिए, ना मास्क लगाइए, लॉकडाउन नहीं चाहिए तो आपको अभी एहतियात बरतनी पड़ेगी। लेकिन फिलहाल किस तरीके से स्टेट मॉनिटर कर रहा है इस वक्त की स्थिति को, क्योंकि केसेस तो लगातार ज्यादा ही आ रहे हैं। सचिन, सिर्फ मुंबई की बात नहीं है, पूरे महाराष्ट्र में हालात अब धीरे धीरे चिंता की ओर बढ़ते जा रहे हैं। पहले हम मुंबई की बात करें, जिससे पहले ही बताया गया है आंकड़ा, एक दिन के अंदर 921 मामले सामने आए हैं। अगर आप पूरे महीने का अगर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से देखेंगे तो ये आ रहे थे 300, 350, 250, 200 के आसपास पहुंच गया था, लेकिन धीरे धीरे इस क्रम में बहुत तेजी से विस्तार हुआ है। और मुंबई में ये कहना मैं नहीं कहूंगा कि अतिशयोक्ति होगी कि जब से मुंबई में लोकल की स्टार्ट हुआ है, आम पब्लिक के लिए लोकल एक पर्टिकुलर टाइम पर स्टार्ट कर दी गई है, तब से अगर आप इस टाइम को काउंट करेंगे तो यकीनन तौर पर वो जो आंकड़ा है पॉजिटिव लोगों का वो लगातार बढ़ता जा रहा है। तो वो भी एक चिंता का विषय होगा महाराष्ट्र सरकार के लिए और मुंबई के जो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है बीएमसी उसके लिए। दूसरी बात है, कई दूसरे जिले हैं, जैसे नासिक में हमने देखा है नाइट का कर्फ्यू वहां पे लगा दिया गया है। जो अमरावती जो रीजन है वहां पर भी इस तरह से कई जगह पे वीकेंड पर जो लॉकडाउन होता है उसकी शुरुआत कर दी गई है। पुणे में भी रेस्ट्रिक्शंस को बहुत ज्यादा कड़ा कर दिया गया है। मुंबई में खास तौर पर जो बीएमसी कमीशन है उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जो व्यक्ति मास्क लगाते हुए या ठीक तरीके से लगाते हुए नहीं पाया गया तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी, जुर्माना भी लगाया जाएगा। तो मुंबई में तकरीबन 1000 से ज्यादा ऐसी बिल्डिंग्स हैं जहां पर अब लॉकडाउन का ये जो कंटेनमेंट जोन का जिसको बना दिया जाता है उसका एक बोर्ड लगा दिया गया है, क्योंकि वहां 5 से ज्यादा एक बिल्डिंग के अंदर मरीज पाए गए हैं। तो ऐसे अलग अलग कई सारी चीजें हैं जो अपनी तरफ से एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर महाराष्ट्र सरकार और मुंबई का बीएमसी अपनी तरफ से कर रही है, क्योंकि मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं।